लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों, क्या दिक्कत है अनायुष डिलेट वालों में? क्या पढ़ाने में ये लोग कमजोर हैं? क्या ये लोग वो अप्रशिक्षित हैं? क्या उस तरीके का प्रशिक्षण नहीं मिला है? तो गलती किसकी, आप मुझे ये बताइए कि गलती क्या आपके प्रशिक्षण देने वाले में है या फिर प्रशिक्षु में है? अगर इस तरीके का 18 महीने का कोर्स मानते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि 2 वर्षीय जो डीलेड किया हुआ है उन लोगों को और एनआईएस डीलेड वालों को साथ में बैठाइए, चुनौती पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। कि एनओएस से जो डिग्री लिया गया है उन लोगों के लिए थोड़ा सा समस्या ज्यादा है, लेकिन अभी तक जो जिनका ज्वाइनिंग हो गया है उसके संदर्भ में सरकार ने कोई ठोस अभी जो है सो नोटिस नहीं निकाला है। तो जब तक वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तब तक उन लोगों को डरने या घबराने की जरूरत नहीं। यदि वो निकाल देता है तब उसके लिए एक अलग से ही लोगों के पास ऑप्शन बचता है, तब उसका वो रिट के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट में आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जिनकी नौकरी है उनको अभी जब तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तब तक बहुत कुछ होने वाला नहीं है। हेलो दोस्तों, एनआईयूएस को लेकर के लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला भी शुरू है। हालांकि मैं बता दूं कि मैं किसी का नाम तो आज नहीं लूंगा, लेकिन मैं फाइनली बताना चाहता हूं कि आप लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है और धैर्य रखने की जरूरत है। चलिए शुरू करता हूं मैं कि एनआईयूएस डीएलएड जो है 1719 सेशन में ही आपको कराया गया था, गवर्नमेंट ही कराई थी, जो बड़े बड़े फोटो और पोस्टरों के साथ स्वयं पोर्टल पर आया करते थे, एनआईयूएस के पोर्टल पर आया करते थे, आज वही मुंह मोड़ दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लेकर के जगह जगह पे अपना जनसभा किया जा रहा है, वहां पे बताया जा रहा है कि हमने ये किया, हमने 10 सालों में ये किया, हमने रोजगार देने की कोशिश की। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि किस तरह का रोजगार आपने दिया? 14 लाख परिवारों का अगर घर आपने उजाड़ दिया तो किसी तरह का रोजगार में शामिल इसे नहीं किया जा सकता। 14 लाख परिवार के आपने घर तोड़ दिया, घर उजाड़ दिया, जो आज संघर्ष की लड़ाई वो लोग पैसे से लेकर के वकील से लेकर के अंदर के जुनून को निकाल कर वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज वो लड़ाई में पीछे है, कहीं ना कहीं आपने मुख मोड़ लिया। अब मैं बता दूं सभी दोस्तों को, जितनी भी पार्टियां हैं सब शामिल है, कोई आपकी आवाज और मुद्दा को उठाने वाला पार्टी नहीं है। मैं बता दूं कि बिहार में आए दिन मैं देखता हूं वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, जिसको राष्ट्रीय जनता दल बोला जाए, या बीजेपी की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या जनता दल यूनाइटेड की पार्टी हो, ये सब ने अगर धोखा देने का काम किया है तो सबसे बड़ा धोखा एनआईएस डीलर वालों के साथ धोखा किया है। जिस तरीके से कितने दिनों में आप लोग देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी किसी तरीके के अलग अलग चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से बैनर तले उनको आईना दिखाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हर तरीके से उनको नाकाम करने की साजिश चल रही है। क्या बिगाड़ा है एनआईएस डीलर वालों ने? आपके साथ क्या किया है? क्या आपको सरकार बनने से रोका है? क्या आपके पार्टी को विलय करने की कोशिश किया गया है? क्या आपको मोड़ मोड़ पर आपके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए? नहीं, वो हर लोग, वो 14 लाख परिवार आपके साथ थे, हैं और आगे रहेंगे भी, लेकिन आप जिस तरीके का रणनीति 14 लाख युवाओं के साथ चले हैं ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण अपने देश के लोकतंत्र के लिए है। चूंकि लोकतंत्र में सबको अपना मत रखने का अधिकार है, उस अधिकार को छीन लिया, आर्टिकल 19 के ए को आपने दबा दिया। जिस तरीके से मैं बता दूं कि हालांकि कई जगह जगह पे जा करके हर एक, मतलब जहां जहां पे नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जी का आगमन हुआ वहां वहां पे एनआईएस डीलर के बिहार वाले साथी जा करके वहां पे अपने आवाज को, अपने मुद्दा को उठाने की कोशिश किया, लेकिन उनके मुद्दा को सांसद द्वारा, किसी किसी के द्वारा दबाने की पूरी कोशिश किया गया। हालांकि मैं बता दूं कि एनआईएस वालों का मुद्दा अभी तक थमा नहीं है, वो कंटिन्यू अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। क्या अब हम लोग एनआईएस डीएलएड वाले हमारे साथ क्या करेगा? किसी को तो ये भी कहना है कि पता नहीं हम लोग स्ट्रगल या संघर्ष करते ही रह जाएंगे, इसी तरीके के हल्ला बोल का नारा उठाते रह जाएंगे, लेकिन आगे चल करके यही मिलेगा कि आपको इनवैलिड कर दिया गया। इनवैलिड अभी भी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों, क्या दिक्कत है एनआईएस डीएलएड वालों में? क्या पढ़ाने में लोग कमजोर है? क्या ये लोग वो अप्रशिक्षित हैं? क्या उस तरीके का प्रशिक्षण नहीं मिला है? तो गलती किसकी, आप मुझे ये बताइए कि गलती क्या आपके प्रशिक्षण देने वाले में है या फिर प्रशिक्षु में है?
अगर इस तरीके का 18 महीने का कोर्स मानते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि 2 वर्षीय जो डीलेड किया हुआ है उन लोगों को और एनआईएस डीलेड वालों को साथ में बैठाइए, चुनौती पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आपने तो जगह जगह से पूरे देश में 14 लाख युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया है। जिस तरीके से आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी एनआईएस डीलर के साथी हैं वो केवीएस में नहीं जा पा रहे हैं, वो DSSB में नहीं जा पा रहे हैं, वो बीपीएससी में नहीं जा रहे हैं, वो मतलब झारखंड के सुपर टेट में नहीं जा पा रहे, वो हरियाणा के सुपर टेट में नहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती भारत सरकार की है कि इन्होंने ही 17-19 सेशन में डीएलएड कराया, वो भी एनआईएस के थ्रू, और ये ही मुंह मोड़ दिए हैं। मैं सभी एनआईएस डीएलएड वासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अगर मैं एक सलाह दे दूं कि आप एनआईएस डीएलएड जो कराया है संस्था यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईएस पर आप लोग केस कीजिए, तब जा करके ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, गर्दन बढ़ गई है, सर बढ़ गया है, लेकिन आपने एनआईएस डीलर वालों के साथ धोखा किया है। खास करके इवन मैं बता रहा हूं कि एनआईएस नहीं धोखा किया डीलर वालों के साथ। क्या ये चुनौतीपूर्ण आपके लिए नहीं है? जब आपके संस्था से डीलर करवाया गया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या आपका संस्था इतना बेकार और बेगार है कि आपने इस डिग्री को फर्जीवाड़ा साबित होने से नहीं रोका? क्या NCTE की इतनी मजाल जो NIUS से डीलेड किया गया तो उसको आपके NIUS डीलेड को वो नकार दे, इनवैलिड बता दे, कि यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है? तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात अगर है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए भी है। आप लोग सभी साथियों से मैं विनम्र करना चाहता हूं कि ये ऊंट पहाड़ के नीचे तभी आएगा जब आप NIUS पे केस दायर कीजिएगा। जिस तरीके से आप लोग सुप्रीम कोर्ट में लगातार अपने डीलर को वैलिड कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरीके से मैं कहूंगा कि एक केस जो है वो एनआईएस पे भी होना चाहिए, तब जाकर के पता लगेगा। संस्था बंद होनी चाहिए। जब इस संस्था से 14 लाख युवाओं का जीवन बर्बाद किया गया, घर बर्बाद किया गया, तो एनआईएस को बंद करवाया दिया जाए। जब डिग्री वैलिड नहीं तो फिर संस्था चलाने से क्या फायदा? तो मैं यही कहूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पे एक FIR दर्ज किया जाए और उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया जाए, उस संस्था को बंद करवाया जाए जिस संस्था से आप लोग डीलेड किया हुआ है, उस एनआईएस संस्था पे केस होना चाहिए, मुकदमा दायर होना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को देखें और मैं बता दूंगा, देखिए सभी साथियों से मैं विनम्र करूंगा, या तो एनआईएस पे एक केस दर्ज होना चाहिए तभी जाकर के समझ में आएगा, नहीं तो आप अपना संघर्ष को जारी रखिए और NCTE, MHRD, NIUS पे तीनों पे एक एक केस होना चाहिए। अगर आप साथी इससे सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मेरे बातों से कितने प्रतिशत सहमत हैं आप कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर NIUS डालिएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।